Hello students, welcome back. Today we are going to talk about heterotrophic nutrition. We are doing the life processes chapter. Life processes chapter में पहले हमने basic life processes के बारे में पढ़ा था. Basic life processes को basic life processes क्यों बोलते हैं उसके बारे में पढ़ा था. Then हमने न्यूट्रिशन शुरू कर लिया था. न्यूट्रिशन में वी वर स्टडिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ द न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक. लास्ट वीडियो में हमने इन डिटेल द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ लिया था. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. सो ऑटो का मतलब था सेल्फ, न्यूट्रिशन का मतलब था ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन. ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन जो होता है दैट इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में कोई भी ऑर्गेनिज्म खुद से वो अपना खाना बना लेता था, लाइक प्लांट्स, सम काइंड्स ऑफ बैक्टीरियास, इनकी बात की थी हमने. आज हम शुरू करने जा रहे हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. It is a mode of nutrition of organisms which cannot synthesize their own food, but they are dependent on other organisms for food. Understood? It is the mode of nutrition of organisms which cannot synthesize their own food, but they are dependent on other organisms for food. कि food के लिए उनको किसी और ऑर्गेनिजम्स के पास जाना पड़ता है. ऑर्गेनिजम्स एग्जिबिटिंग द हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स. फॉर एग्जाम्पल यीस्ट, फंजाई, बैक्टीरिया, ह्यूमन बींग्स, टाइगर, मंकी, बर्ड्स, लायन, काउ एंड मेनी मेनी मोर. Example of heterotrophic nutrition are enormous. They are never gonna end because autotrophism to humne dekha tha. Autotrophism is only found in some kinds of bacterias and the green plants. Green plants are able to synthesize their own food with the help of chlorophyll, but in the case of heterotrophic nutrition, every organism that is not an autotroph, that is a heterotroph. Heterotrophic nutrition ke bhi aage further types hoti hain. Let us go and read about the types of heterotrophic nutrition. First of all, dobara se heterotrophic nutrition ki definition ko padh lete hain. It is a mode of nutrition of organisms जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वो किसी और से अपना खाना लेंगे. आइदर इट कैन बी अ प्लांट और इट कैन बी एन एनिमल और इट कैन बी अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इट कैन बी एनी काइंड ऑफ अदर डेड और लिविंग एनिमल. ओके, और डेड और लिविंग प्लांट, ये चीज समझ आ गई मैंने क्या बोला. जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं वो किसी और से खाना लेंगे. प्लांट से भी ले सकते हैं, एनिमल से भी ले सकते हैं, डेड प्लांट से भी ले सकते हैं, लिविंग प्लांट से भी ले सकते हैं, डेड एनिमल से भी ले सकते हैं, लिविंग एनिमल से भी ले सकते हैं, एनिमल को मारने के बाद भी ले सकते हैं, एनिमल को जिंदा रख के भी ले सकते हैं. या हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज ऑफ दीज काइंड्स. सो लेट अस Separatrophic means dead and decaying organisms. कुछ भी मर रहा है, सड़ रहा है, उसको जो खाता है वो होता है सेप्रोट्रॉफ. इसकी एग्जाम्पल में आते हैं हमारे मशरूम. इसमें आते हैं हमारे मशरूम आ गई, हमारी फंजाई आ गई सारी, ठीक है. Then we can talk about some kind of bacterias. Bacterias ke bina our earth will be full of garbage. ठीक है, इसमें अर्थवर्म आ जाते हैं, इसमें
वल्चर्स आ जाते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट्रा। इसका मतलब क्या है? ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से खाते हैं, दे आर नोन एज द सेप्रोट्रॉप्स। ओके, दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज द सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या है, जिंदा ऑर्गेनिज्म है, इसमें ऑर्गेनिज्म क्या था, मर गया था, मरे हुए को जो खाएगा दैट विल बी अ सेप्रोट्रॉफ। इसमें ऑर्गेनिज्म क्या है, जिंदा है, जिंदा में से जो खुद न्यूट्रिशन ले रहा है, हमारा न्यूट्रिशन हमसे छीन रहा है, खुद क्या बन रहा है, ताकतवर बन रहा है। दिस काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज द पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द बॉडीज ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। पैरासाइट्स हार्म द होस्ट व्हाइल ऑब्टेनिंग देयर फूड। लीच, लीच इज द एग्जाम्पल, लीच हो गया, वॉर्म्स हो गए, ठीक है, बेड बग हो गया, लाइस, जुए, जुए हो गई। जुए क्या करती है, बेसिकली हमारे अंदर चली जाती है, हमारे अंदर या ऊपर सरफेस के ऊपर, बॉडी की सरफेस के ऊपर चढ़ के हमारा खून चूस रही है, हम में क्या हो रहा है, ब्लड की कमी हो रही है। लाइस क्या कर रही है, खुद फूल रही है, खुद का मतलब फायदा, दूसरे का नुकसान, पैरासिटिक। ओके, लीच भी ऐसे ही करते हैं, लीच आर ऑल्सो ब्लड सकिंग ऑर्गेनिजम्स। वॉर्म्स, पेट में कीड़े पड़ जाते हैं किसी के, दे आर काइंड ऑफ वॉर्म्स दैट कैन बी राउंड वॉर्म, राउंड वॉर्म भी नुकसान करते हैं हमें, एंड फ्लैट वॉर्म्स भी नुकसान करते हैं, ठीक है। वो पेट में जाके क्या करते हैं, इन्फेक्शन कॉज करते हैं। हमारा न्यूट्रिशन हमसे ले रहे हैं, हमें खुद ताकतवर हो रहे हैं, खुद अपनी रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, खुद अपनी पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमें क्या कर रहे हैं, वो नुकसान कर रहे हैं। दिस काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब मैंने बोला था प्लांट से हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन अपना न्यूट्रिशन लेगा, प्लांट से ले सकता है, एनिमल से ले सकता है, मरे हुए प्लांट से ले सकता है, मरे हुए एनिमल से ले सकता है। मरे हुए प्लांट्स एंड एनिमल्स को कौन खाता है, सेप्रोट्रॉफ, और जिंदा, जिंदा को कौन खाता है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। कि हम जिंदा है, जुए हम पे आके हमसे ही न्यूट्रिशन छीन रही है हमारा, ठीक है। दिस काइंड इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन, हमें नुकसान करिए, खुद का फायदा करिए। होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन में हम खाते हैं सॉलिड फूड। अब इसमें सारे सारे ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, सारे बड़े वाले ऑर्गेनिज्म, काओ है, काओ घास खाती है, दैट इज होलोजोइक, क्योंकि वो सॉलिड फूड खा रही है, सॉलिड ऑर्गेनिक फूड। देखो हमारी बॉडी के लिए हमेशा ऑर्गेनिक होता है, इसीलिए बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करो, ऑर्गेनिक चीजों से बनी हुई कोई भी चीज यूज करो, ठीक है। आजकल तो ऑर्गेनिक साबुन, ऑर्गेनिक शैम्पू, सब कुछ चल रहा है। थस ऑर्गेनिक मतलब हमारी बॉडी से मिलता जुलता। रोटी खाते हैं, रोटी क्या है, प्लांट से है, प्लांट भी जिंदा है, हम भी जिंदा है, तो हम जो रोटी खा रहे हैं वो प्लांट से मिलती है हमें, वो हमें कोई नुकसान नहीं करेगी। बट अगर उसी अनाज के ऊपर, उसी राइस के ऊपर, वेजिटेबल्स के ऊपर अगर स्प्रे की हुई है, केमिकल्स डाले हुए हैं, तो वो हमारे लिए नुकसानदायक। चलो होलोजोइक न्यूट्रिशन पे वापस जाते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। लेट अस सी द एग्जाम्पल ऑफ लायन, मंकी, डॉग, ह्यूमन एंड एट लास्ट काउ, जिसके बारे में मैंने बोला था। लायन है, किसको खाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को मार के, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जैसे कि डियर हो गया, काउ हो गई, बफलो हो गया, एलिफेंट भी हो गया, ठीक है। तो इसको कौन खाता है, लायन। मंकी, जस्ट सपोज मंकी ईट्स बनाना, बनाना क्या है, सॉलिड फूड है, तो मंकी इज ऑल्सो होलोजोइक। डॉग है, डॉग क्या खा रहा है, बोन, ठीक है, और यू कैन से डॉग फूड, डॉग फूड खा रहा है, वो भी क्या है, सॉलिड है, सॉलिड को क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। उसके बाद आ गया हमारा ह्यूमन बींग, हम क्या खा रहे हैं, सपोज करो रोटी, हम रोटी खा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो सॉलिड फूड, सॉलिड फूड को पहले मुंह में डालेंगे, उसके बाद डाइजेस्ट करेंगे, उसके बाद उनसे हमें न्यूट्रिशन मिलेगा, ठीक है। सॉलिड फूड कोई भी खा रहा है, दैट इज बेसिकली व्हाट, दैट इज बेसिकली होलोजोइक।
काओ, काओ क्या खा रही है? ग्रास खा रही है, तो ग्रास भी क्या होता है? सॉलिड फूड होता है, तो ग्रास क्या है? दैट इज ऑल्सो होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब देखो मैं आपको बात करती हूँ अमीबा की, अमीबा एंड पैरामीशियम। अमीबा क्या है? एक यूनिसेलुलर प्रोटोजोअन है। पैरामीशियम क्या है? पैरामीशियम भी यूनिसेलुलर प्रोटोजोअन है। इसको ना ही बैक्टीरिया बोलते हैं, इसको ना ही फंजाई बोलते हैं, इसको ना ही एनिमल बोलते हैं, इसको ना ही प्लांट बोलते हैं। ये एक डिफरेंट किंगडम है, ठीक है? आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। ये प्रोटोजोन्स होते हैं जो यूनिसेलर होते हैं ना सारे, यूकेरियोटिक, जिनका सेल यूकेरियोटिक होता है और एक सेल के बने होते हैं, दे ऑल आर प्रोटोजोन्स। अमीबा यूनिसेलुलर है, अमीबा अपने से छोटे सेल को खाएगा। तो अमीबा के लिए वो चीज भी की है, सॉलिड है, ठीक है? जो छोटे ऑर्गेनिज्म को अमीबा खा रहा है, दैट इज ऑल्सो सॉलिड फॉर अमीबा। एंड जो पैरामीशियम है वो अपने से छोटे ऑर्गेनिज्म को फर्दर खा रहा है, फर्दर अपने से भी छोटे ऑर्गेनिज्म को खा रहा है, तो वो भी क्या है? सॉलिड है, ठीक है? तो दैट इज ऑल्सो होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसको भी होलोजोइक न्यूट्रिशन ही बोलते हैं। मतलब सब में पैरासाइट्स एंड सेप्रोट्रॉप्स को छोड़ के सभी क्या होते हैं? होलोजोइक होते हैं न्यूट्रिशन। ओके, समझ आ गया? एक बार आप दोबारा से पढ़ लो सारा, इसको देख लो, और अब हम आगे चलते हैं। सेप्रोट्रॉप्स, ऑर्गेनिज्म दैट टेक द फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया। किसी गंदी चीज के ऊपर, मरी हुई चीज के ऊपर खाना है, खाना अगर खराब हो गया, खाने को रख दो वो मर जाएगा। खाना तो पहले ही मरा हुआ है, उसको हम पका के खाते हैं सो दैट वो सॉफ्ट हो सके, ठीक है? वो डाइजेस्टेबल हो सके, उसके न्यूट्रिएंट्स, उसमें सेलुलोज का अमाउंट कम हो जाए, ठीक है? ताकि हम डाइजेस्ट कर सके। कच्ची रोटी, कच्चे चावल कभी कोई खा के देखेगा ना तो उसके पेट में दर्द होगा। क्यों? क्योंकि डाइजेस्टेबल नहीं है वो सब चीजें हमारे लिए, ठीक है? इसलिए फूड के ऊपर, फूड को अगर हम बाहर रख देंगे बैक्टीरिया ग्रो करने लग जाएंगे, क्योंकि डेड है फूड, फूड को खाने लग जाएंगे। मशरूम, मशरूम भी क्या है? डेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड करता है, डेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ग्रो करता है। मशरूम इज अ काइंड ऑफ फंजाई। फंजाई सारी क्या होती है? सेप्रोट्रॉप्स होती है, डीकम्पोजर होती है। मोल्ड, मोल्ड क्या होता है? ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड देखा है किसी ने? ब्रेड खराब हो जाता है, उसके ऊपर क्या है? मोल्ड ग्रो कर जाता है, दैट इज द ब्रेड मोल्ड। ये सारी चीजें क्या है? सेप्रोट्रॉप है। ये क्या खा रही है? मरी हुई चीजों को खा रही है, मरी हुई चीजों को। बेसिकली मैं फूड की बात कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है? नेक्स्ट कैटेगरी में चलते हैं। चलो, ये क्या है? बहुत गंदा है जो भी है। आप देख रहे हो ये वल्चर्स हैं, ठीक है? और ये क्या खा रहे हैं? डेड, मरी हुई चीज को अंदर से निचोड़ के फिर उसको खा रही है। दे आर ऑल्सो काइंड ऑफ सेपरेटर्स। इनको हम क्या बोलते हैं? स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स सुनिए ना टर्म। स्कैवेंजर होते हैं वल्चर, जो मरे हुए जानवर को खाते हैं, ठीक है? अर्थवर्म, ये होते हैं डेटरिवोर्स। तीन तीन टाइप के सेप्रोट्रॉप्स आ गए हमारे पास। कौन कौन से टाइप के? दोबारा से देख लेते हैं। फर्स्ट तो थे डीकम्पोजर, स्कैवेंजर, डेटरिवोर्स। डीकम्पोजर जो क्या करते हैं? डीकम्पोज करते हैं फूड को, फूड को या डेड मटेरियल को, ठीक है? स्कैवेंजर जो मरी हुई चीज को खाते हैं। देखो अब आपको बात करती हूँ। सपोज करो कोई ऑर्गेनिज्म मर गया, ठीक है? कोई डॉग लगा लो, कैट लगा लो, कुछ भी लगा लो, ठीक है? वो मर गया, उसके ऊपर वल्चर्स आके खाना खा रही है। सपोज करो कि डीकम्पोजर्स उस पे एक्ट करें, उस कैट पे एक्ट करें, तो साल दो साल लग जाएंगे उसको गलने में, उसको गलने में, ठीक है? बट अगर वल्चर ने उसको ऊपर ऊपर से सारा खा लिया, जितना वो खा सकते हैं उसको ऊपर ऊपर से सारा खा लिया, लास्ट में छोटे 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 पार्टिकल्स रह गए, उसको डीकम्पोज करना इजी है ना, तो डीकम्पोजर उस पे एक्ट कर देते हैं, और जो काम एक दो साल में ना था वो महीने में हो जाता है। समझ आ गई? तो क्लीन करने में हेल्प करते हैं डीकम्पोजर एज वेल एज स्कैवेंजर। डेट्रीवर्स भी ऐसी ही चीज होते हैं। डेट्रीवर्स की एग्जाम्पल है अर्थवर्म। अर्थवर्म है, ये सारे अर्थवर्म होते हैं। अर्थवर्म की आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि जैसे हम है मिट्टी में सब्जियां डाल दें, ठीक है?
रेनी सीजन में अर्थ हम अपने आप ही मिट्टी से निकल आते हैं बाहर, तो रेनी सीजन में ये छिलकों के ऊपर छिलकों को खा रहे हैं, छिलकों को खा के डाइजेस्ट करके जो इनके फीसेस बाहर निकल रहे हैं ना, जो इनके स्टूल्स हैं बेसिकली, जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल ये बाहर निकालेंगे खाना खाने के बाद, तो वो क्या होगा, वो फर्दर इनरिच होगा न्यूट्रिएंट्स में। मतलब ये क्या करें, ये फ्रेगमेंट्स में तोड़ रहे हैं, ये फर्दर जो हमारा कूड़ा है ना उसको फ्रेगमेंट्स में तोड़ रहे हैं। तो इसलिए ये जो अर्थवर्म है ना ये भी हमारी हेल्प कर रहे हैं। हमारे थ्री टाइप्स हो गए, फर्स्ट इज द डिकम्पोजर, नेक्स्ट इज द स्कैवेंजर एंड थर्ड इज द डेट्रिवोर्स। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, कैट, कैट की डेथ हो गई, ठीक है, कैट का एक्सीडेंट हो गया, चलो सपोज कर लो, या गिर गई वो कहीं से, तो उसके ऊपर वल्चर्स ने आके पहले उसको खाया, वल्चर्स ने आके उसके सारे मोटे मोटे पार्ट्स खा लिए, उसके बाद क्या किया अर्थवर्म ने, या फिर ऐसे ही डेट्रिवोर्स, और भी डेट्रिवोर्स होते हैं, कीड़े मकोड़े जो होते हैं, वो आके उसको फर्दर छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ देंगे, ठीक है, और उसके बाद वो इजी हो जाएगा फंजाई या बैक्टीरिया को एक्ट करने के लिए, फंजाई और बैक्टीरिया उस पर एक्ट करके महीने में उसका काम खत्म कर देंगे। ये सफाई हो गई हमारी एनवायरनमेंट की। हमारे एनवायरनमेंट में कितने ही ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, हर कंट्री में, हर शहर में, हर जगह में, हर स्टेट में, हर रोज कितने ऑर्गेनिज्म मर रहे हैं, तो उनको डिकम्पोज करना भी जरूरी है, वरना सारी जो अर्थ है ना वो कूड़े से ही भर जाएगी। बैक्टीरियाज इंपॉर्टेंट है, अगर बैक्टीरियाज नहीं होंगे तो हमारी डिकम्पोजिंग कौन करेगा। वैसे ही इनको बैक्टीरियाज को एक्ट करने के लिए छोटे फ्रेगमेंट्स चाहिए होते हैं, और छोटे फ्रेगमेंट्स देता कौन है, जो स्कैवेंजर्स और डेट्रिवोर्स हैं, वो छोटे फ्रेगमेंट्स बना के देते हैं। अब बात सुनो अंटार्कटिका की। अंटार्कटिका जो है वो एक ऐसा रीजन है, अंटार्कटिका में ना इतनी ठंड होती है, वहां पे बैक्टीरियाज ही नहीं होते, होते भी है तो बहुत कम होते हैं। वहां पे अगर कोई ऑर्गेनिज्म मर जाए तो 100 साल के बाद, 100 साल वही छोड़ो, 20 साल छोड़ो, 20 साल के बाद आप देख लेना जाके वो डिकम्पोज ही नहीं हो। वहां पे ठंड इतनी है, वहां पे स्कैवेंजर्स नहीं है, डिकम्पोजर्स नहीं है, डेट्रिवोर्स नहीं है, वो डेड बॉडी वहां की वहां ही पड़ी रहेगी, उसको कुछ भी नहीं होगा, डिकम्पोज ही नहीं होगी वो बॉडी। इसलिए सफाई करने के लिए हमारी इन्वायरमेंट में सेप्रोट्रॉफ्स का होना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट चलते हैं। ये है हमारे सारे पैरासाइट्स। ये क्या है, हमारे सारे पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या करते हैं, हमें नुकसान पहुंचाते हैं, हमें नुकसान पहुंचाते हैं, खुद अपना फायदा करते हैं। ये भी लाइस है, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ, दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ लाइस, दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ लाइस, दीज आर वॉर्म्स। ये वॉर्म्स हमारी बॉडी में घुस के हमें नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। ये पैरासाइट्स के बारे में हमने पढ़ा है कि ये क्या करते हैं, ये ब्लड सक करते हैं हमारा, तो ये होलोजोइक नहीं हुए, क्योंकि ये सॉलिड फूड नहीं खाते, ये हमारे ऊपर चढ़ के या हमारे अंदर जाके हमारा लिक्विड, हमारे लिक्विड न्यूट्रिएंट्स ही ले लेते हैं सीधा, इसलिए दे आर नॉट होलोजोइक। होलोजोइक से डिफरेंट कैटेगरीज में रखा जाता है। Thank you.